गाना जी ले गए उसे बना बना के आपको फोटोग्राफर वाहन भूत वाली पुलिस के सामने खड़े हैं। बाकी अन्य थानों में जो जब्ती हुई है आज रात में जो वेरीफाई किया जितना हो पाया है ऊपर देखो जावर में खड़ा है कोई ऊपर देखो मंगलाधर में वाहन खड़े हैं। कितने लोग से थे? दो लोग इसमें अभी तक हमने हिरासत में लिए हैं और भी इनके साथियों की तलाश की जा रही है कि इनको मोटरसाइकिलें खपाते थे। सबसे खास बात जो इनकी है वो ये है कि जो उनको ये टारगेट कर लेते और उनके पैसे छीन लेते थे पैसे ले लेते थे। यदि किसी का बैग है नहाने गया है आदमी स्नान करने गया है बैग रखे गया है तो उसका बैग वो बैग वो रिकवर कर लिया आपने वो रिकवर किया क्या बताऊं शहर में मोटरसाइकिल चोरी की थी उसी के आधार पर इनको कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। शहर के थानों से मोटरसाइकिल चोरी की जावर से की है जिन जिन थानों पर मोटरसाइकिलें अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में रिकवर हुई है। इन्होंने चाकरी और वाहन चोरी भी किए हैं और सबसे सातवा दरोड़ है सैकड़ों यात्रियों को जो तीर्थ यात्री आते हैं उनके साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। इससे हमें उम्मीद है कि वहाँ पर जो चोरी की वारदातें हो रही थी और शहर में जो वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी उनका अंकुश लग पाएगा। हाँ इनको आज ही इन्होंने पूछताछ में बताया है इनको रिमांड पे लिया जाएगा आज पेश किया जाएगा। कहाँ गाड़ी खपाने का काम करता है सनावत के मार्केट में एक गाड़ी तो यहीं पे कहीं बेची है इसने हमारे खंडवा में उसको भी रिकवर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इसने इसको याद ही नहीं कि कितनी मोटरसाइकिलें चोरी कर चुका है चोरी करता है बेचता है चोरी करता है बेचता है और पैसे से नशे का काम करता है। युवा सरकार में पवन हाथ का हाजरी लगा हम लोग पूरे शहर भर में पूरे जिले भर में एक मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के तहत जहाँ भी मेडिकल स्टोर्स पर नशे की सामग्री का व्यापार हो रहा है उन सबके ऊपर छापा मारेगी पुलिस और सबको सर्च करेगी। कोतवाली थाना पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह को आज हिरासत में लिया है। दो लोग हैं इन लोगों ने लगभग दो दर्जन वाहन चोर वाहनों की चोरी करना स्वीकार किया है। प्राथमिक पूछताछ में आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। उसमें जो पूछताछ में बताया है उसमें ओमकारेश्वर मंदिर और स्नान करने वाले जितने भी तीर्थयात्री आते थे उनकी मोटरसाइकिलें और उनके वाहन और उनके बैग जो स्नान करने के लिए रखे जाते थे उनको चोरी करना स्वीकार किया है। इसमें उससे लगभग 50,000 रुपये हमने बरामद किए हैं अभी तक और अन्य पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से वो इन घटनाओं को अंजाम देते थे। हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र मोगढ़ थाना क्षेत्र जावर थाना क्षेत्र और मानधाता थाना क्षेत्र में अभी तक इन्होंने घटनाओं को किया जाना स्वीकार किया है। अभी तक लगभग एक दर्जन वाहन बरामद हुए हैं और 50,000 रुपये कैश इनसे बरामद हुआ है। दोनों ही आरोपियों का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आने वाली पूछताछ अगली पूछताछ में उनसे ये पूछा जाएगा कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में कहां कहां पर इन्होंने घटनाओं को